हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एलोग्रेस क्रीम का विथ एलोवेरा एडवांटेज। मैंने इस क्रीम को फ्रेंड्स 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली यूज़ किया है। इसको मेरे फेस पे मैंने अप्लाई किया है, फिर जाके मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे मैंने ये बोतल डिब्बी कल ही मंगवाई थी। इससे पहले मेरी 1 बोतल फिनिश हो चुकी है। इसके बाद मैंने सोचा कि आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ। मुझे जो इसके बेनिफिट्स मिले हैं तो वो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। सो फ्रेंड्स, एलोग्रेस क्रीम को मेरा ख़रीदने का और इसे यूज़ करने का मेरा पर्पज़ ये था कि एलोग्रेस क्रीम की ये ना काफ़ी हाइप है। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है एंड काफ़ी सुना है कि ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक क्रीम है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये फेस से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस को फिनिश करती है। आपकी स्किन को लाइटन करता है, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करता है, गोरा बनाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और अगर आप इसको लगाना बंद भी कर देते हैं तो भी आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आपने फेस पे कभी अपने फेस पे कभी स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज़ की है और उससे आपका चेहरा डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, तो एलोग्रेस क्रीम को यूज़ करने के बाद आपका फेस रिपेयर हो जाएगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैंने इस क्रीम के बारे में सुनी थी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो मैंने सोचा कि एक बार इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन की है, ना तो ऑयली है ना ड्राई है, नॉर्मल स्किन कॉम्बिनेशन है मेरा। और अभी मेरे फेस पे कुछ टाइम से डार्क सर्कल भी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको मैं ट्राई करके देखूँ। तो पूरे 6 मंथ्स तक मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद मेरा जो अपना ऑनेस्ट रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे इसकी क्रीम से क्या बेनिफिट्स हुए हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके साथ ही मैं बताऊँगी इसको यूज़ करने का सही तरीका। तो वीडियो काफ़ी मैटी होने वाली है, जिससे कि आपको ये डिसाइड करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्रीम आपके लिए सही है या नहीं। ये है इसके अंदर की पैकेजिंग, इस तरह की आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लास्टिक टब में मिलती है विथ स्क्रू कैप, जो कि बहुत इजी टू यूज़ है, पर मुझे कुछ इस तरीके के ढक्कन अनहाइजीनिक लगते हैं। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर ये ट्यूब पैकेजिंग में होता ना तो ज़्यादा बेटर हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। मैंने इसे इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इजी टू ब्लेंडेबल है ये। तो इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी है एंड काफ़ी सॉफ्ट भी है और स्किन पे अच्छे से ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है, स्किन पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है और ना ही चिपचिपा फील होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लाइट वेट है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी, यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर अपन देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बेस्ट सूटेड फॉर ड्राई स्किन, डार्क स्पॉट्स एंड मार्क्स रिजल्टिंग फॉर एक्सपोजर्स टू इरिटेट्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस, स्मोक, डस्ट, डर्ट, इट्स लाइटन मार्क्स, स्कार्स, स्पॉट्स एंड अदर स्किन स्टेन्स ऑन रेगुलर यूजेस, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मीन्स ये जो क्रीम है वो ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा सूट करेगी। और साथ ही अगर ख़राब इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, डर्ट है, इनकी वजह से अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो गई है, ब्लेमिशेस हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, तो इस क्रीम के रेगुलर यूज़ से वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं कि एलोग्रेस क्रीम में क्या क्या मिलाया गया है, यानी कि इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या है, तभी हमें पता चलेगा ना कि ये क्रीम कितनी सेफ़ है और इसको हमें अपनी स्किन पे यूज़ करना भी चाहिए या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलोग्रेस के क्रीम विथ विटामिन ई, हनी एंड एलोवेरा क्रीम। तो बेसिकली क्या है कि एलोवेरा, विटामिन ई एंड हनी, 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हैं। और भी बहुत कुछ इस क्रीम में मिलाया गया है, यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है।
तो फ्रेंड्स, एलोक्रेस क्रीम का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स वो है लाइट लिक्विड पैराफिन। और किसी भी प्रोडक्ट का पहला इंग्रेडिएंट बहुत मैटर करता है, उस प्रोडक्ट की प्योरिटी बताता है। तो लाइट लिक्विड पैराफिन क्या है? तो गाइस देखिए कि लाइट लिक्विड पैराफिन एक टाइप का लिक्विड फॉर्म है और ये हाईली रिफाइंड, कलरलेस और ऑडरलेस होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लाइट लिक्विड पैराफिन बहुत कॉमनली यूज़ होता है कई सारे स्किन प्रोडक्ट्स में, फेस क्रीम, बॉडी लोशन एंड ये स्पेशली ड्राई स्किन के ट्रीटमेंट में स्पेशली यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा। और इसका काम है स्किन की आउटर लेयर से वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ये स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है और स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड हाइड्रेट बनाता है। फ्रेंड्स, एलोग्रेस क्रीम का थर्ड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। और हम सभी को पता है कि ग्लिसरीन के हमारे स्किन के लिए कितने सारे फ़ायदे एंड बेनिफिट्स हैं। ऑल्सो ये एक सेफ इंग्रेडिएंट्स है। ग्लिसरीन से स्किन हाइड्रेट रहती है, सॉफ्ट बनी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस क्रीम में एक इंग्रेडिएंट्स है वीट जर्म ऑयल, जो कि फॉर्म ऑफ विटामिन ई है और ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए। ऑल्सो ये सेफ इंग्रेडिएंट है। बट इसके अलावा काफ़ी सारे इस क्रीम में काफ़ी सारे केमिकल्स भी एज अ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। परफ्यूम है विथ हाई पैराबेन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एडिटी है, सोडियम सॉल्ट है। इसके अलावा इसमें है एल्कोहल। तो एलोग्रेस क्रीम में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है जो कि टोटली सेफ है स्किन के लिए, और वो है एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन ई एंड हनी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो विथ एलोग्रेस क्रीम, जितना भी मैंने इसको यूज़ किया है, तो मैं इस क्रीम को यूज़ करती थी नाइट में सोने से पहले, अच्छे से फेस को क्लीन करके, वॉश करके। विद इन 1 वीक में मुझे स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया था। वो इम्प्रूवमेंट ये था कि मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी एंड फेस में ग्लो सा आ गया था। मेरी स्किन काफ़ी हेल्दी एंड यूथफुल लग रही थी, और यही कारण था कि मैंने इस क्रीम को आगे भी कंटिन्यू किया। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि चेहरे से पिगमेंटेशन ख़त्म हुई कि नहीं, मेरा रंग गोरा हुआ कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे जो पिगमेंटेशन थी उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और ना ही जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो एक शेड भी लाइट हुआ। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एलोक्रेस क्रीम एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि एक ड्राई, चेपी और फ्लेकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। ये क्रीम स्किन टेक्सचर और क्वालिटी को बेटर करती है, डल डैमेज स्किन को रिपेयर करती है, और इसे यूज़ करने के बाद स्किन वेल हाइड्रेटेड, हेल्दी, स्मूथ एंड सफल फील होती है, और फेस कितना भी डल हो, इसे यूज़ करने के बाद फेस में ग्लो आ जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं एलोग्रेस क्रीम को उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फेस डल रहता है, फेस पे कोई ग्लो नहीं है, उनके लिए ये क्रीम अच्छी है। और लेकिन वो भी सिर्फ 3 मंथ्स तक यूज़ करें, फिर उसके बाद 1 महीने का गैप करें, फिर देखिए अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए तो आप इसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि एलोग्रेस क्रीम को यूज़ करने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस क्रीम के मेरे फेस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे 6 मंथ तक यूज़ किया है, 1 बोतल मैंने इसकी फिनिश की है, पर मुझे इसके अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के बाद, जैसे कि फेस का लाल होना, फेस में खुजली होना, जलन होना, इस तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर आपको नज़र आता है, तो आप इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद कर दें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का रिव्यू? अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोगों के लिए, तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।